फटेक। देखिए खबरें फटाफट डाउनलोड कीजिए तक ऐप। हम पहुंचे हैं ब्रह्मपुरी क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय 38 नंबर में। यह विद्यालय सरकार द्वारा संचालित है और इस विद्यालय में किस तरह की सुविधाएं हैं आइए दिखाते हैं हम आपको। यह विद्यालय प्राथमिक विद्यालय ब्रह्मपुरी का विद्यालय है। यहाँ पर 100-125 बच्चे अध्ययनरत हैं, उनका पंजीकरण है और इस विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर है, टेबल है, कुर्सियाँ हैं, क्लासरूम्स हैं, क्लासरूम भी पक्के बने हुए हैं। दीवालों की स्थिति बहुत अच्छी है, दीवालों पर पेंट हुआ हुआ है, वहाँ पे श्लोक लिखे हुए हैं, ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यम जैसे श्लोक इन दीवालों पर लिखे गए हैं बच्चों को प्रेरित करने के लिए, कहीं ना कहीं पढ़ाने के लिए। 3 अध्यापक यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार बच्चों को शिक्षा देते रहते हैं और यही नहीं, बच्चों को मध्याह्न भोजन के लिए एक किचन की भी व्यवस्था है जहाँ पर बच्चों को मध्याह्न भोजन पकाया जाता है, बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। और इस किचन की स्थिति भी आप देख सकते हैं, किचन अच्छी स्थिति में है, सारे बर्तन साफ सुथरे सही तरीके से लगाए गए हैं और साफ है किचन। और इसी किचन में पकाया हुआ भोजन इन बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। यही नहीं, बच्चे छोटे हैं लेकिन उसके बावजूद यहाँ बनाए गए शौचालय में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय बनाए गए हैं और बालक बालिकाएं अलग अलग शौचालयों में ही जाते हैं, उनके लिए अलग अलग सुविधा बनाई गई है। यही नहीं, बच्चों के लिए पीने के पानी की भी इस विद्यालय में सुविधा है। हालांकि यह विद्यालय छोटा है, परिसर छोटा है, इसमें इस हिसाब से खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बच्चों का मनोरंजन हो सके, बच्चे खेल कूद सकें, यहाँ झूले आदि का प्रबंध किया गया है। कुल मिला के बच्चे हैं लेकिन बच्चों को चूँकि कहीं ना कहीं कैमरा देख के बहुत सारी चीज़ें बच्चे भी भूल जाते हैं, बड़े तो भूलते भूलते हैं, बच्चे तो भूल ही जाते हैं। तो जब हमने बच्चों से बात करी क्या वो प्रधानमंत्री का नाम जानते हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं सोच विचार में पड़े, बच्चे प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं बता पाए, कुछ बच्चे बता पाए कुछ नहीं बता पाए, और कुछ बच्चे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं बता पाए। एक दो बच्चों ने नाम भी बताया, हालांकि इन बच्चों की जानकारी में जो उनके प्रिंसिपल हैं वो बता रहे हैं कि बच्चे सब कुछ जानते हैं लेकिन कैमरा देख के वो कुछ बता नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं बच्चों को और ज़्यादा जनरल नॉलेज की जानकारी दिए जाने की ज़रूरत है। हम खड़े हैं ब्रह्मपुरी के 38 प्राथमिक विद्यालय केंद्र में और यहाँ उनके प्रिंसिपल सुमित कौशिक जी से बात करते हैं कि उनके स्कूल में आखिर किस तरह की सुविधाएं हैं, इन 75 सालों में इन स्कूलों में किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो पाई हैं। बात करते हैं सुमित जी, आपका स्वागत है उत्तराखंड तक में। जी सर। किस तरह की सुविधाएं आपके विद्यालय में मिल पाई हैं, चूँकि 75 साल हो गए आज़ादी को हुए। जी सर। आज इन विद्यालयों की क्या स्तर है, क्या स्थिति है इनकी? सर, हमारे यहाँ जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है, शिक्षा विभाग ने अपने बच्चों के स्कूल विद्यालय को सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और पहले जैसी सुविधाएं अब बहुत अच्छी स्थिति में आ गई है। बच्चों को पहले टाट पट्टी पर बैठते थे, आज बच्चे सब फर्नीचर वगैरह उपलब्ध हैं और विद्यालय में स्टाफ की भी लोगों पूर्ति है, छात्र संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अन्य सुविधाएं भी जैसे DBT के माध्यम से बच्चों को गणवेश भी दिया जा रहा है और विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना चल रही है, बच्चों को मेनू के हिसाब से पर डे के हिसाब से खाना दिया जाता है, अतिरिक्त पोषण दिया जाता है, सप्ताह में एक दिन अतिरिक्त पोषण दिया जाता है। और अभी भी फिलहाल में ही सरकार द्वारा दुग्ध बच्चों को दूध देने की योजना बनाई है, जो सप्ताह में एक बार बच्चों को दूध दिया जाता है, प्रति बच्चा 10 ग्राम दूध उपलब्ध कराया जाता है, इस विद्यालय में तैयार कराया जाता है, उनके पैकेट विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। विद्यालय में जहाँ तक बच्चों की स्थिति है, बच्चे पढ़ाई के मामले में पहले से बहुत बेहतर स्थिति में आ गए हैं, उन्हें अक्षर का ज्ञान भी हो गया है, गणित की विद्याओं में भी उन्हें थोड़ा सा निपुण हुए हैं। लगातार प्रयास है हमारे शिक्षकों का कि हम अपने स्कूल के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के बच्चों से बेहतर स्थिति में ले गए, उनको बराबर स्थिति में ले आए। ये कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई है, जबकि मेरा अपना मानना है कि हमारे विद्यालयों में बहुत अच्छी पढ़ाई है। हमारे विद्यालय के टीचर्स, विभागीय अधिकारी समय पर निरीक्षण भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, लगातार प्रयास हो रहा है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे कार्य हो रहे हैं जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, उनका ज्ञान बढ़ सके और आगे भविष्य में वो अच्छे विद्यार्थी बन सकें और एक सफल नागरिक बन सकें। किचन क्या स्थिति है, चूँकि यहाँ पे भोजन भी देना है, मध्याह्न भोजन आपको देना है, उसके लिए क्या स्थिति है और शौचालयों की क्या स्थिति है? सर, हमारे यहाँ विद्यालय में तीन कक्ष शिक्षण कक्ष हैं और विद्यालय की बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई है, ITC के द्वारा विद्यालय में काम भी कराया गया है जिससे इसका जीर्णोद्धार हो गया और समाज के द्वारा भी
हम लोगों को इसमें सहयोग दिया गया, जो कि मेन गेट जो लगाया है वो समाज के द्वारा ही लगवाया गया है। और शौचालय की स्थिति ऐसी है कि शौचालय ITC के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि बहुत अच्छे ढंग से बने हुए हैं। उनमें सफाई व्यवस्था के लिए सप्ताह में एक बार या दो बार हम लोग बाहर से नगर निगम के कर्मचारियों को बुलाकर उनसे सफाई करवा लेते हैं। विद्यालय में कोई सफाई कर्मी विशेष रूप से नियुक्त तो नहीं है, इस वजह से बाहर से बुला के उनसे कराना पड़ता है। बात किचन की है तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ सब बहुत अच्छी किचन बनी हुई है। बच्चों के लिए बर्तनों की पूरी व्यवस्था है, बच्चों को बर्तन अपने लाने नहीं पड़ते। यहाँ तक कि हमारे जो खाना बन रहा है वो गैस पे बन रहा है, पहले चूल्हे पे बना करता था, अब गैस पे बन रहा है। शुरू से ही हम लोगों ने प्रयास कराया कि गैस पे ही खाना बने, जिससे साफ सुथरा खाना बन सके। दो भोजन माताएं हमारे कार्यरत हैं, दोनों ही भोजन माताएं बच्चों को बड़े अच्छे ढंग से अपना बच्चे समझ के उनको खाना खिलाती हैं। खाना हमारे अधिकारी भी निरीक्षण के समय खा चुके हैं, देख चुके हैं। जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी, SDM साहब, सब विद्यालय में निरीक्षण के आके उन्होंने खाना खाया, उन्होंने सबने उन्होंने इसकी तारीफ करी है। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए ग्राउंड भी चाहिए, क्या इस विद्यालय में उतना ग्राउंड है, क्या सुविधाएं हैं बच्चों को खेलने के लिए? यहाँ थोड़ा सा कह सकते हैं कि क्योंकि परिसर में हमारे पास खेलने का ग्राउंड की एक सीमित जगह है, बहुत छोटी जगह है, वो परिस्थिति है उसमें तो कुछ भी नहीं कराया जा सकता कि जो हमें उपलब्ध है उसमें ही बच्चों को खिला लेते हैं। भागा दौड़ी वाला गेम तो ज़्यादा नहीं हो पाता, लेकिन कुछ गेम ऐसे हैं जो बच्चों को बैठा के हम इस परिसर में भी खिला सकते हैं। ये कहा जाए कि प्राथमिक विद्यालय 38 में सुविधाओं के नाम पर तो सब कुछ है, बिल्डिंग भी है, बच्चों के लिए क्लासरूम भी है, किचन भी है, खेलने के लिए ग्राउंड भले ही छोटा है लेकिन उसके लिए झूले आदि का प्रबंध इन्होंने कर रखा है। और ये माना जा सकता है कि 75 साल में इस स्कूल को वो सारी चीज़ें मिली हैं जो बच्चों को मिलना चाहिए पढ़ने के लिए और ज़रूरी था। मुदित अग्रवाल, उत्तराखंड तक, हरिद्वार।